हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो हमारे घर में खाने की सब्जी आती है, हरी सब्जी आती है, मटर वगैरह आते हैं, वो कैसे बोए जाते हैं खेतों के अंदर। तो दोस्तों, मैं आप खेत के अंदर आया हुआ था। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पीछे, देखो अलग अलग लाइन में अलग अलग सब्जी बोई गई है। इसके अंदर पालक है, इस वाली के अंदर गाजर बो रखी है, इसके अंदर देखो ये पाइप है छोटा वाला, देखो ये पाइप, इससे इसके अंदर बूंद बूंद पानी जाता है बिल्कुल। ये देख सकते हो पास से गाजर, इस वाले में गाजर है, इसमें इससे सिंचाई होती है। इसे नलके लगाने का फ़ायदा ये है कि ये कम पानी में अच्छी सिंचाई हो जाती है। इसमें देखो धनिया बो रखा है, इसमें ये धनिया है दोस्तों, इस वाले में गाजर है, इस वाले में फूल गोभी है, इसमें से काट भी रखी है हमने और अभी लगी हुई भी, लेकिन इसके अंदर मच्छर लग गए हैं, देख सकते हो कितने सारे मच्छर हैं। अभी इसको सब्जी नहीं बनाएंगे क्योंकि ख़राब हो चुकी है, मच्छर लग गए, इसे बीमारी हो सकती है। यहाँ पे टमाटर बो रखे हैं, लेकिन दोस्तों टमाटर सर्दी की वजह से ख़राब हो चुके थे पहले ही। यहाँ पे पत्ता गोभी है, ज़्यादातर पत्ता गोभी को बर्गर चाउमीन वगैरह में डालते हैं, वही है दोस्तों, वही वो पत्ता गोभी है। आपके घर यहाँ ऐसे खेतों में से वो काट के बेचते हैं दोस्तों। इस वाली लाइन में लहसुन बो रखा है, लहसुन यहाँ पे दोस्तों सभी थोड़ी थोड़ी सभी सब्जियाँ बो रखी है हमने खाने के लिए, और इसमें हमने कोई भी वो रासायनिक छिड़काव नहीं किया है, ये पूरी जैविक सब्जियाँ हैं। यहाँ पे हमने मटर बो रखा है, आप देख रहे हो इतनी कमज़ोर की है सब्जियाँ, इसलिए क्योंकि हम इसमें रासायनिक खाद वगैरह नहीं देते। ये मेथी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आप वीडियो पे थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाओ। दोस्तों आपके लिए मैं रोज़ रोज़ ऐसे गाँव के संस्कृति से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा मैं। आप देख सकते हो गाँव में कैसा वो रहता है कल्चर वगैरह, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वो केचुए का खाते बनाया जाता है, वो अगले वीडियो में बताऊँगा मैं कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।